बना बनाए घर खरीदने के बजाय आप खुद से कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, चाहे आप घर का मालिक हैं या आप इलेक्ट्रीशियन हैं, ये वीडियो आपके लिए है। मैं 10 तरह का ऐसा पॉइंट बताया हूँ जो कि आप घर में जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप जानना है कि छत जब करा रहे हैं तो पाइप कैसे डालें, डालने का तरीका क्या होना चाहिए, और घर में झीरी कटा रहे हैं तो झीरी काटते समय किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, कैसे झीरी कटवाएं अपने घरों में कि दीवार भी सेफ़ रहे और मटेरियल भी सेफ़ रहे, और उसके बाद से बक्स किस तरह लगाएं कि बक्स प्रॉपर तरीका से सही हो, और घर में स्विच सॉकेट किस हिसाब से लगाएं कि आपका परफेक्ट देखे और सही देखे, ठीक है। इस वीडियो मैंने 10 तरह का बताया है, और आप वायरिंग करने जा रहे हैं तो आप वायरिंग कैसे करें घर में जो कि आपके हेल्पफुल हो, ठीक है। और उसके बाद से आप फैन बॉक्स लगा रहे हैं तो कितने फैन बॉक्स जो मिलता नहीं है तो कैसे लगाएं जो सेफ़ रहे, और आप घर में जो छत होता है उसमें ड्रॉप करते हैं पाइप कैसे ड्रॉप करें जो कि सेफ़ रहे, और डीवी कैसे कहाँ पे लगाएं, ठीक है, लगाने तरीका क्या है डीवी का, वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आगे चलकर। और घर में अर्थिंग क्यों करते हैं, लास्ट में आपको बताएंगे घर में अर्थिंग क्यों करते हैं। तो ये सब बातों को 10 क्वेश्चन को आंसर हम देने वाले हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है घर बना रहे हैं या आप इलेक्ट्रीशियन घर में काम किसी के कर रहे हैं। पहला प्रश्न आता है, छत में पाइप डालते समय किन किन बातों को ध्यान देनी चाहिए। दोस्तों जब भी आप पाइप डालें, अगर फैन बॉक्स बना रहे हैं तो उस रूम का मेजरिंग कर ले, जिस रूम में आप फैन बॉक्स बैठा रहे हैं उसको बिल्कुल सेंटर आना चाहिए, और जो भी पाइप आपके आप ये लगा रहे हैं उसको बांधना जरूरी है, उसको टाई जरूर कर ले, नहीं तो कंक्रीट समय में कंक्रीट वो ख़राब हो जाता है। और अच्छे तरह बीच से लेकर जाएं, दोनों सरिया के बीच से पाइप लेकर जाएं और सेफ रखें, ठीक है, ये पूरे टाई बांधें, और मेजरिंग करना बहुत ज़रूरी है, मेजरिंग करके लगाएं। और कंक्रीट के समय अगर नहीं टाई करते तो वाइब्रेटर चलेगा तो आपका पॉइंट के अंदर सीमेंट चला जाएगा, तो आपको जब ये सीलिंग खुलेगा तो आपको पॉइंट नहीं दिखेगा, और इधर उधर पाइप जिस इसमें इस इमेज में देख रहे हैं इधर उधर पाइप अगर डालते हैं तो आगे चलकर टूट जाएगा तो मसला बनता है। और फैन बॉक्स लगाएं तो उसमें मास्किंग टेप जरूर लगाएं और कुछ सपोर्ट नीचे लगाएं कि सीमेंट ना जाए, और जब सीलिंग खुले तो आपको डायरेक्टली वो दिख जाए कि यहाँ पर फैन बॉक्स है, इतना बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं छत में से पाइप ड्रॉप कैसे किया जाता है। दोस्तों आप जब भी पाइप ड्रॉप करें तो अगर 9 इंच का दीवार है तो एक ईंट निकाल कर और उसमें ड्रॉप करें, क्यों, बाहर में छेनी मारकर ना ड्रॉप करें, इसलिए कि जब आप छेनी मारकर ड्रॉप करते हैं ना तो प्लास्टर के टाइम में पाइप बाहर होता है तो बहुत ख़राब दिखता है, वो अच्छा नहीं दिखता, इसीलिए आप अंदर ड्रॉप करें। और नेक्स्ट फ्लोर के लिए अगर आप पाइप राइजर करते हैं तो अच्छे तरह टेप लगा लें पाइपों में, राइजर पाइप में, ओके दोस्त। अभी देखते हैं हम लोग झीरी काटते, झीरी काटते समय आपको इन बातों को ध्यान देना है कि ज़्यादा बेंड ना हो, आप चाहे तो तिरछा झीरी काट सकते हैं, ठीक है दोस्त, तिरछा झीरी कभी भी काटें तो आपका बेंड कम लगेगा, वायर भी कम लगेगा, और आपको आसानी से पाइपिंग करने में आसान होगा, ठीक है। और जब पाइपिंग करें तो आप बिल्कुल अच्छे से करें पाइपिंग, दीवार के अंदर रहना चाहिए, लेवल से चेक करना चाहिए, हाफ सेंटी अंदर ही रहना चाहिए, और इस पर एक जाली आता है वो जाली ज़रूर लगाएं, ओके दोस्त। अगला, बक्स अगर हम लगा रहे हैं, स्विच बक्स लगा रहे हैं तो आपको देखना है कितना सेंटी इसमें सीमेंट आ रहा है, उतना से हाफ सेंटी बाहर ही रखें तो आपका परफेक्ट बक्स आता है, लेवल जरूर करें। और आपको बता दूं, घर में आप वायरिंग करने जा रहे हैं और स्विच लगा सॉकेट लगा रहे हैं तो इन अप्लाइंस को देखना है कि कौन से अप्लाइंस कहाँ पर लगनी है, उसके जस्ट बैक साइड में आप पॉइंट दें तो अच्छा दिखता है, नहीं तो पॉइंट कहीं और रहेगा और अप्लायंस कहीं और रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। और घर में वायरिंग कर रहे हैं तो वायरिंग उस हिसाब से करें आप, कितना mm का वायर डालना है कहाँ पे आप ड्राइंग जरूर देखें, और उसके बाद से आपका कौन सा चलाना है, क्या चलाना है उससे, कौन सा अप्लायंस उससे चलाना है वो ज़रूर ख्याल करें। और आपको बता दूँ आप मेन स्विच बोर्ड कहाँ पर लगाएँ तो सही रहेगा। दोस्तों ज़्यादातर मेन स्विच बोर्ड दरवाजे के पास लगता है तो सही रहता है, घर के अंदर नहीं रहता है ज़्यादा, क्योंकि मिस्त्री वगैरह आता है तो आपके घर के अंदर नहीं जाएगा, घर के बरामदा में लगाएं चाहे मेन गेट के सामने लगाएं वो सही रहता है। तो जब भी आप लगाएं, चाहे आप स्टेयर के बाजू में लगाएं, स्टेयर के नीचे लगा सकते हैं मेन स्विच बोर्ड, ये बातों को आप ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अहम बात है कि घरों में अर्थिंग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों लाखों रुपया खर्चा करके आप घर बनाते हैं और अर्थिंग नहीं करते हैं तो बहुत मसला होता है, अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी है घरों में, बहुत ज़रूरी है आपको घर में अर्थिंग करना, इसलिए कि अब जब भी कोई पैनल लगाएं, कोई भी अप्लायंस लगाएं उसमें अर्थिंग करना ज़रूरी है, मेन बोर करें बोर से और अर्थिंग उठाएँ और
पूरे घरों में लूप करें, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है ये, एक वायर लगनी है। ठीक है दोस्त, हम लोग अर्थिंग कैसे करते हैं, गड्ढा करते हैं, गड्ढा में एक पाइप डालते हैं, सरिया डालते हैं, ठीक है ना, सरिया डालकर और उसमें हम लोग कोयला डालते हैं, नमक डालते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस से मैं इस पर एक वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर वीडियो मेरे चैनल पर जरूर देख लें, मैं पूरा डिटेल्स बताया हूँ क्या क्या लगता है, ठीक है दोस्त। इसलिए हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, जो कि देख लें यहाँ पे लाइव न्यूट्रल है और वायर है, वायर लाइव है और न्यूट्रल है, ठीक है। और यहाँ पे एक अप्लायंस इलेक्ट्रिकल का, एक बंदा कोई टच करता है और उससे करंट लगती है, तो उससे क्या होता है कि जो फॉल्टी करंट है ना, जमीन हो जाता है ग्राउंडिंग किए रहते हैं तो, अगर नहीं करेंगे तो करंट मारेगा आपको, तो ग्राउंडिंग अगर नहीं किए होंगे ना तो आपका ना ब्रेकर ट्रिप होगा ना आपका कोई इक्विपमेंट सही रहेगा, तो इसलिए आपको ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है। इस पर मैं एक वीडियो बनाई, आप जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो से थोड़ा भी आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से वीडियो में बनाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।